नमः शिवाय। दोस्तों, धनुराशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक ग्रह बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका धनुराशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 1 अगस्त 2022 की सुबह में 3:45 पर बुध कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर 21 अगस्त 2022 तक बुधदेव सिंह राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। इस 20 दिन की समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष में बुध को एक शुभ ग्रह माना जाता है और लगभग 23 दिनों के उपरांत बुध अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध की तीव्र गति रहने के कारण बुधदेव जन्म कुंडली पर जल्दी परिणाम देने वाले ग्रह बनते हैं। बुध को व्यापार, विद्या, मार्केटिंग, छोटे भाई बहन, बुद्धिमत्ता, कल्याणकारी योजना, इन सब विषयों का कारक बुध को माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर बुध का प्रभाव होता है। जन्म कुंडली पर बुध यदि शुभ ग्रहों के साथ मौजूद होते हैं तो शुभ प्रभाव देते हैं, और यदि पापी ग्रहों के साथ बुध की युति हो तो अशुभ प्रभाव मिलता है। बुध के शुभ होने पर जीवन में कई प्रकार की संभावना मिलती है। जन्म कुंडली पर बुध यदि अनुकूल हो तो जातक अधिक उम्र का होने के बावजूद कम उम्र का दिखाई देता है। ऐसे जातक को व्यापारिक और आईटी सेक्टर में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। बुध के बलि होने पर वाणी से जुड़े हुए कार्यों में जातक को बड़ी सफलता मिलती है। बुध बलि हो तो जातक की गणित काफी ज्यादा मजबूत होती है। वहीं बुध के जो महादशा होती है वो 17 वर्षों की होती है और जन्म कुंडली पर बुध यदि पीड़ित हो जाए तो जातक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुध के खराब होने पर जीवन में नपुंसकता की बीमारी, नाक कान गले से जुड़ी हुई समस्या, बुध के पीड़ित होने पर हकलाहट की समस्या, बोलने में भी समस्या देखने के लिए मिलती है। वहीं बुध के खराब होने पर भाई बहनों के साथ संबंध खराब रहते हैं और जीवन में आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ता है। इसको बुधदेव से जुड़ा हुआ उपाय करके इसको ठीक भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। धनु राशि वाले जातकों, आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। आपकी राशि के लिए बुधदेव आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी होते हैं। 1 अगस्त 2022 को बुधदेव आपके राशि के अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। राशि के नवम भाव से भाग्य, धर्म, पिता तुल्य व्यक्तियों के बारे में और हायर एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। तो धनु राशि वाले जातकों को बुध के इस परिवर्तन के दौरान कई प्रकार की संभावना आपके जीवन में मिलने वाली है। सबसे पहले, यदि आपको पूर्व के समय से नाक कान गले से जुड़ी हुई समस्या बनी हुई थी या धनु राशि वाले जातकों को पूर्व के समय में जीवन में घबराहट की समस्या बनी हुई थी, तो सेहत के मामले में आप काफी ज्यादा मजबूत इस समय अंतराल में रहेंगे और बुध का यह परिवर्तन आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के लिए इस समय अंतराल में करियर के मामले में बड़ी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। व्यापारिक जीवन में व्यापार का नवीनीकरण होता हुआ नजर आएगा। साथ में धनु राशि के ऐसे जातक जो बुध देव से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, यानी यदि आप टीचर हैं, लॉयर हैं, कुरियर सर्विस से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड या कंप्यूटर से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं,
क्लर्क हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोचिंग सेंटर को चलाने का कार्य करते हैं, कंसल्टेंट हैं, या शेयर मार्केट से आपका जुड़ाव है, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए धनु राशि वाले जातकों को बड़े लाभ और बड़ी सफलता की संभावना बन रही है। उसके साथ साथ आपके राशि के लिए इस समयावधि में बुध भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो धार्मिक जीवन में आपकी काफी ज्यादा संलग्नता बनी रह सकती है और इस समय अंतराल में घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों, यदि आप कहीं पर धन का निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो आप जीवन में सावधानी जरूर बरतें और कर्ज लेने और कर्ज देने से भी धनु राशि वाले जातकों को बचना चाहिए। तो यह तो रहा बुध का आपकी राशि के ऊपर प्रभाव। अब यदि आपकी जन्म कुंडली पर बुध की स्थितियां खराब बनी हुई है तो कुछ विशेष उपाय की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिसको आप जीवन में जरूर करें। बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन साबुत मूंग भिगोकर पक्षियों को डालने से बुध की स्थितियां अनुकूल बनती है। गणपति की आराधना करना, ओम गं गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करने के उपरांत यदि आप गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करते हैं तो यदि आपकी जन्म कुंडली पर बुध कमजोर है तो आपको काफी ज्यादा राहत देखने के लिए मिल सकती है। जिन बच्चों के जन्म कुंडली पर बुध कमजोर है, जिनको पढ़ने में समस्या होती है या किसी बात को याद करने में, किसी पाठ्य को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो यह दुर्वा वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। बुध को मजबूत करने के लिए हरे रंग का रुमाल अपने जेब में आप जरूर रखें और हरी चीजों का दान करने से भी बुध की स्थितियां जन्म कुंडली पर मजबूत बनती है। हरी मूंग, हरे पालक, हरी चूड़ियां, हरा वस्त्र का दान करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।